नैवेद्यम प्रेदाम नैवेद्यम समर्पयामि मुखे आशीन जलम समर्पयामि। तीन बार जल गया, ये यहाँ 500 लॉन्ग लेंच रखा हो, 500 चढ़ा हुआ है, हाथ लगा लीजिए। ओम भोंगे बलम महादेव्यम नाग बल्ले दलाय तम एला। समर्पयामि भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियामदेश बुद्धिम श्रद्धा सतां कुलजन प्रवजस्सलज्जतां तां नतां परिपालय देवि विश्वम् नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुसेतहाराय सुमंगलाय सुभासाय साय जगासनाय जला। पार्वती पिता मादे अर्भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर स्वर्ण मूर्ति की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती कामना को पूरा करो जग बलिहारी कामना को पूरी करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा सकल काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा सकल काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा कर्पूर त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु जनता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मंगलमेव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षा मंगलाय नमोहरि ॐ केशवं रामो नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं त्रिधरं माधवं गोपिकावल्लभ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे इसको ले जाइए दे दी जगदीश्वर में अपने माता पिता अपने गुरुजन वृंदों की हर हर महादेव। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक फोटो खिंचवा लेते हैं। हम चीर हरण एक और मुहूर्त हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले चीरहरण की सारी जितनी टीम है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और अभिवादन करता हूँ अपने प्रोड्यूसर का, अपने डायरेक्टर अजय झा जी का। मेरे लिए बहुत खुशी का वक्त होता है जब मैं कोई नए पिक्चर का मुहूर्त कर रहा होता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, पब्लिक का प्यार है। मधुकर जी, गाने की बात करें तो किस प्रकार के गाने हैं और कितने गाने हैं इस फिल्म में, कुछ डिस्कस हुआ है कुछ जानकारी? जी, मुझे अभी 5-6 सिचुएशन मिले हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सारे गाने इंटरटेनिंग ही रखने का हम लोग का एक विचार है हमेशा। जितनी भी भोजपुरी फिल्में बनती हैं सब में एक इंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा जरिया होता है उसके उसका गाना, वैसा ख्याल में रखते हुए इसके भी गाने हम लोग बना रहे हैं और उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगे। मधुकर जी, कोई एक आपका गाना है वो जो बहुत हिट हुआ है, बहुत चर्चित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और किस प्रकार ईश्वर का आशीर्वाद है, हम लोग रोज हमने ये गाना बनाई ला जा। भोजपुरी में बोले में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब भोजपुरिया दर्शक के हमारे बहुत बहुत प्रणाम बा। आप सभी के आशीर्वाद स्वरूप हमारा एक गाना में बहुत बढ़िया प्रसिद्धि मिलल, हमेशा से मिलल बा, पहले भी जिसन सोचले रहे धनिया मोर बड़ी, ये सब बहुत सारे गाने हिट रहे हैं। अभी एक मेरा फिर गाना आया है छलकत आमर जवनिया राजा, तो ये गाना काफ़ी हिट रहा। अभी हमने पवन जी का एक एल्बम भी किया था, उसमें एक गाना हमने किया था पवन सिंह के गाना बजा के जो अक्षरा जी ने गाया था, उस गाने ने भी बहुत बढ़िया मार्केट में अपना स्थान बनाया। और मुझे फक्र है कि भोजपुरी में जैसा चलता है एक गाना हिट होता है तो बहुत लोग गाते हैं उस धुन पे, तो सारे लोग उस धुन पे गा रहे हैं। अभी एक कारी कजरारी एक गाना हमने गाया था, बहुत बड़ा हिट हुआ, तो उस धुन पे भी सब लोग गा रहे हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि होती है। हमारे धुन जब मार्केट में सारे लोग गाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कुछ अवार्ड भी मिला है आपको उसके बारे में? अभी लेटेस्ट सबरंग बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, उसके पहले भी अभी मतलब 4-5 साल से मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है। मधुकर जी, आज फिल्म का नाम है चीरहरण, तो क्या टाइप फिल्म के गाने होंगे चीरहरण टाइप के? चीरहरण होगा इसमें, चीरहरण नाम है लेकिन इसमें अश्लीलता एकदम बिल्कुल ही नहीं रहेगा। जैसा हमारे प्रोड्यूसर्स का भी एक प्रस्ताव है कि सर हम लोग ऐसा काम करें कि घर की महिलाएं जाएं और गाने सुने। कि नाम चीरहरण है और चीरहरण ना हो, ये चीरहरण है तो उसका जरूरी नहीं है कि मतलब चीरहरण तो महाभारत में भी दिखाया गया है, तो सोच के रखा होगा ना टाइटल का, तो ये डायरेक्शन किसी का तो चीरहरण होगा, चाहे विलन हो चाहे। हाँ हाँ, बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर, भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर आरोप लगाए हैं कि वो लोग ज्यादा अश्लील फिल्में करते हैं म्यूजिक में। नहीं, अश्लीलता एक्चुअली इंटरटेनमेंट का ज़माना है और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में अश्लीलता नहीं होती है। हर भाषा में कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं जो थोड़ा सुर्खी बटोरे, पब्लिक का मनोरंजन करें, कुछ एडल्ट मैटर भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, तो ये हर भाषा में, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में ही हो,
हर भाषा में। मैं कितना आपको गाने बता सकता हूँ, पंजाबी का, मराठी का, अपने इसका हिंदी का, बहुत सारे गाने ऐसे बनते हैं। एंटरटेनिंग ये मीडिया है, ये एंटरटेनमेंट का। मधुकर जी, आपका कोई खेसारी के साथ में कोई गाना या इस प्रकार का नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कुछ अभी रीजन है इसके पीछे? नहीं नहीं, अभी हम लोग खेसारी जी के साथ भी एक पिक्चर कर रहे हैं जिसके डायरेक्टर असलम शेख जी हैं, और वो समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या खामियां जो इतना देर लगा खेसारी जी के साथ काम करने में? नहीं नहीं, ऐसी कोई ये नहीं रही। हम लोग का एक संजोग होता है, कभी संजोग दो चार साल नहीं बनता है, कभी बनता है। एज ए सिंगर कैसे लगते हैं आपको खेसारी जी? बहुत अच्छे सिंगर है, गाना गवाया कभी? फोक सिंगर है बहुत, पहले भी हमने उनके साथ किया था, उनके साथ दो पिक्चर हमने लगातार किसी देवरे पे मनवा डोले किया था हमने, उसका गाना बहुत बड़ा हिट भी हुआ था, मन बिगाड़ धले बड़ू चुमा देखे, इस टाइप का। रुकुआ सलोनाया धनिया हो मन करे निहारत नहीं, बहुत बेहतरीन हमने रोमांटिक उनके लिए बनाया था। दिल लगी लोढ़निया वाली भी हमने किया था, अभी भी कर रहा हूँ, लगातार पिक्चर कर रहा हूँ, अभी उनके साथ मैं आतंकवादी भी कर रहा हूँ। कोई एक फेवरेट गाना सुना दीजिए दर्शकों को, आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ? आज जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी तो लीक होने के चलते मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन जो पहले का गाना है मेरा हर रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहारत रही। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, वेलकम। चाहेंगे और साइलेंट चीरहरण पे आप आए, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे चीरहरण की एंटायटी को जीत लेना? सबसे पहले तो मैं नमस्कार आप सभी दर्शकों को, प्रियंका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आज यहाँ पे जिस फिल्म की मुहूर्त है उसके लिए मैं आई हूँ, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मनोरंजन जी हैं, प्लीज जॉइन अस। और इस पूरे इंटायर टीम को यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट, और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा गाएं। और जैसा कि आप जानते हैं मधुकर आनंद जी को जो इज़ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, तो इनके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, तो बस ये जहाँ पर खड़े हो जाते हैं म्यूजिक वहीं से शुरू हो जाता है। प्रियंका, बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में आपने एक तहलका मचा दिया है, गाना आपका छलका था छवनिया, तो वो कैसे हुआ, कैसे बना गाना और क्या ध्यान में रख के आपने वो गाना गाया, क्या फीलिंग थी जब वो गाना आपके सामने आया, कितना चैलेंज था आपके लिए और कितनी खुशी हो रही है जब मेहनत रंग लाती है, गाने हिट होते हैं, दर्शक पसंद करते हैं उसको, तो कितनी खुशी होती है उसके बारे में जानना चाहेंगे जी। छलका था हमरो जवानिया है राजा, जैसे कि बल्टी के पनिया हो कुछ कल, ये गाना है आप लोगों ने भी सुना होगा, भोजपुरी राजा फिल्म का गाना है। और इस गाने के बारे में ऐसा कहना चाहूँगी कि जब ये गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो इसका जो लिरिक्स था वो पहले कुछ और था, फिर बाद में मधुकर भैया ने कुछ उसमें काट छाट किया जैसा कि हमेशा ही होता है स्टूडियो में, तो उसको बैठकर हम लोगों ने बहुत उस पर बातचीत की कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और देन वी डिसाइड फाइनल लिरिक्स और छलका तमरो जवानी लिरिक्स डिसाइड हुआ और फिर हम लोग ने गाया। और उस गाने को तो मैंने दो बार गाया, चली वो काट छाट में मधुकर जी की चली कि प्रियंका की? सबकी चली, मेरी चली, इनकी चली, आजाद सिंह जिन्होंने गाना लिखा है उनकी चली, सबकी, और पवन जी जो भी हैं, तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया एंड देन वी रिकॉर्ड, और ये गाना आप सबके सामने है और बहुत बड़ा हिट है। तो कितनी खुशी होती है जब इस प्रकार का, जब दर्शक उसको लाइक करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अननोन पर्सन जैसे प्रियंका को इसके पहले कोई जानता नहीं था तो इस गाने से लोग जानने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और इतने कम समय में मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये गाना इतना हिट हो जाएगा जब मैंने रिकॉर्ड किया था, बट आप लोगों ने प्यार दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है? प्रियंका जी, चीरहरण के मुहूर्त में आप आई हैं, क्या कहेंगे? चीरहरण के मुहूर्त के लिए सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, पूरी एंटायर टीम को। किस तरह के गाने गा रहे, कुछ तैयारियां हुई? जी जी, तैयारियां हुई है और बहुत ही अच्छा गाना है, तो मैं चाहूंगी कि मधुकर जी ने जो गाना अभी नहीं गा सकते, पहले जवनिया छलका था दो लाइन गुनगुना दे, क्योंकि बहुत दर्शक उसको पसंद कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिर से। जी जी, तो ये गाना आप सबके लिए एक बार फिर से हम लोग गा रहे हैं। छलकता हमरो जवनिया ए राजा, छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि बल्टी के पनिया हो कुछ कोली,
रानी हो महुआ भर लोड बानी हो अवधाली, रानी हो महुआ भर लोड बानी हो अवधाली। झलकत हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि पलट के पनिया हो कुछ काली। रानी हो महुआ भर लोड बानी हो अवधाली, रानी हो महुआ भर लोड बानी हो अवधाली। भोजपुरी के अंदर जितने भी हीरो है तो म्यूजिक से रिलेटेड गाना गाते हैं, तो आप कुछ एक्टिंग की आने वाले टाइम पे कुछ एक्टिंग भी करेंगे? सिंगर सिंगर मतलब अक्सर हीरो बन के आ जाते हैं, हीरोइन बन के आ जाती हैं पर्दे पे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी इस प्रकार का ख्याल चल रहा है कि गाने यही एक जरिया है कि गाना गाते गाते फट से पर्दे पे आ जाए और हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए। देखिए फिलहाल तो मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, बट जैसा कि हमेशा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जो सिंगर से वो हीरो बन जाते हैं और जो हीरो है वो सिंगर से, ऐसा होता है, बट मेरी फिलहाल कोई ऐसी सोच नहीं है। पहले एक अच्छी सिंगर ही बन जाऊँ लाइफ में, फिर आगे देखेंगे क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। दिमाग मत खराब करो, प्रोफाइल चेंज करना है। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहेंगे और चीरहरण बना रहे हैं तो किसका चीरहरण होने वाला है? जी जी, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, जौनपुर से। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ मैं। और किसका किसका चीरहरण होने वाला है? सर इसमें किसी का भी चीरहरण नहीं होने वाला है, ये एक टाइटल है चीरहरण, इसमें आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। और ये आगे चल के महिलाओं के लिए जो है समाज में क्या स्थान है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नारी प्रथा को ध्यान, नारी प्रथा को रखें इसमें, केवल आपको कोई भी असली चीज कुछ ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। कोई और रख सकते हैं चीरहरण के अलावा? चीरहरण सम्मान, चीरहरण सर टाइटल ही अपने आप पे आपको पता चल जाएगा कि एक इसी ये सवाल तो यही तो उठता है सवाल कि चीरहरण तो डेफिनेटली किसी सर देखिये चीरहरण हुआ था सर, देखिये द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था श्री, ठीक है, भगवान ने उन्हें बचाया था उस समय, ठीक है। अब कलयुग में ये चीरहरण है, कलयुग का चीरहरण है, आप देखेंगे आगे चल के आपको पता चलेगा। केवल आप नाम पे मत जाइए चीरहरण, ठीक है सर, आप बार बार चीरहरण चीरहरण बोल रहे हैं, नाम पे मत जाइए। आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? आर्टिस्ट है इसमें सर विराज भट्ट है सर, मोनालिसा है और सीमा सिंह जी है, आनंद मोहन जी है, मधुकर जी के अभी आपसे रूबरू हुए थे जस्ट थोड़ी देर पहले। मोनालिसा की बात करें तो मोनालिसा इस समय बिग बॉस में चली गई है, और फिर कैसे शूट होगा और क्या क्या कुछ तैयारी हुई है उसके सर, उसे ये पॉसिबल है क्या वापस वो आने तक का आपको रुकना पड़ेगा या आप इंतजार करेंगे क्या? नहीं सर, उनसे हमने डेट के लिए पहले से ही बात कर ली है, जो भी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी हमें ऐसा लगता है, तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा उसमें, लेकिन अभी तक तो डेट्स कन्फर्म है। कब शूटिंग है आपकी? सर ये दिसंबर है, जो है दिसंबर के एंडिंग, तीन महीने रहेगा अंदर, अभी दिसंबर एंडिंग से जो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है तीन महीने तक अंदर। बिग बॉस में सर बिग बॉस में आदमी एक दो दिन में ही बाहर आ जाता है, आप लोगों को जैसा पता रहेगा, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि वो विनर ही होंगे, ठीक है। मतलब आपसे आपने पहले से तय कर लिया मोनालिसा ज्यादा देख के? अरे सर देखिए हमारे फिल्म का हिस्सा है वो, ठीक है, हम चाहेंगे हमारे साथ काम करें, विनर भी बने वो, विनर ही बने बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म की शूटिंग आप लेट कर देंगे लेकिन वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारे, देखिए क्या सर ये जो हमारे टीम के जो हिस्सा है वो है, भले हम इसको थोड़ा सा 10 दिन और आगे। बॉस की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, आपको पता था इस बारे में? नहीं जी, हमारे जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने पहले से ही सब इन लोगों को जो भी है कैरेक्टर को लेके जो उन्होंने पहले से ध्यान में रख के जो है उन्होंने उस तरह से कास्टिंग की है, और जो भी है वो कैरेक्टर में एकदम फिट बैठ रहे हैं सर, ठीक है। विराज भट्ट है अपनी जगह, जो उनका जो एक्शन में जो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि वो पहले से ही है, और मोनालिसा भी जो है उनके हिसाब से ही उनको एक कैरेक्टर में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि फिल्म शुरू होने से पहले हिट हो गई है? बिल्कुल 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 सर, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस तरह की पहली फिल्म नहीं आई है चीरहरण, ठीक है। चीरहरण एक टाइटल है और अपने आप में एक फिल्म ही है सर, आप समझिए चीरहरण एक अपने आप एक फिल्म है, और आगे चल के आपको समझ में आएगा कि अब तक इस तरह की फिल्में ना बनी है। जौनपुर में कहाँ कहाँ शूट करने वाले हो? सर जौनपुर में शूट नहीं है सर, ज्यादातर इसका मुंबई महाराष्ट्र या गुजरात में शूट होगा सर, अगर समय मिलेगा तो
जौनपुर में भी जरूर शूट करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे चिरानंद के बारे में? नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा ओम प्रकाश मिश्रा की तरफ से हार्दिक नमस्कार सबको। और मैं ये अपनी पूरी टीम को मैं अभी आज जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने इस मौके पे आज उपस्थित हुए हमारे समक्ष, और सभी टीम वर्क के हिसाब से सभी टीम के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज सभी लोगों को यहाँ पे। चिरहरण से कैसे जुड़े हैं और क्या है आपका योगदान? सर जी देखिए, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास जो है डायरेक्टर जी आए थे, स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हमें, और ऐसा लगा कि इस तरह का जो स्टोरी है, इस तरह की जो फिल्में हैं आजकल मार्केट में नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे, बट उस तरह की चीज़ें बाद में दर्शक को नहीं दिखती है। आप टिकट ले रहे हैं, आप टिकट देखने के बाद एंटर कर रहे हैं, बट आप निराश होकर आ रहे हैं, उस हिसाब से जो है फिल्म नहीं है, एक अलग स्टोरी है, एक अलग आपको चीज देखने को मिलेगा। क्या अलग स्टोरी है सर जी? देखिए एक्चुअली ऐसा है, एक साइंस रॉकेट का इस्तेमाल नहीं, वैसा नहीं सर, वैसा बिल्कुल नहीं है। एक तरह से नारी शक्ति के बारे में हमने एक दर्शाया है जो है, एक लेकिन अलग तरीके से दर्शाया है। किस तरह से? क्या है अलग तरीका सर? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि स्टोरी के बेस को देखो, मैं आज आपको रिवील नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए आपको मेरी फिल्म बताएगी, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको वो चीज आपको मालूम पड़ेगी कि एग्जैक्टली इसमें क्या हमने डिफरेंट किया है। लेकिन ये 100% है सर कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। फिल्म देखने के बाद 100% आप बोलेंगे कि नहीं, ये बहुत ही बेस्ट फिल्म है अब तक की भोजपुरी इंडस्ट्री। चिरहरण, किसका चिरहरण होने वाला और कितनी खुशी हो रही है आज मुहूर्त है फिल्म का? मुझे और ये चिरन जो फिल्म है बहुत हटके फिल्म है, जैसे बड़ोसो साहब ने बताया, मधुबर ने बताया, ये बिल्कुल डिफरेंस फिल्म है। ऐसी फिल्में देखिए, लोगों ने बोला तो है कि मैं अच्छी फिल्में बना रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, पर मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये मैं करके दिखाना चाहता हूँ। जी अजय जी, चिरहरण की बात करें और इस कहानी की बात करें तो किस प्रकार की कहानी है? जैसे अभी तक के लोगों ने बताया कि चिरहरण एक डिफरेंट कहानी है, तो क्या डिफरेंट कहानी है ये? जी ये लेडीज प्रधान मूवी है, और ये जैसे आपने सर नारी प्रधान फिल्में बहुत सारी बन चुकी हैं, पर मेरा दावा है ऐसी फिल्में नहीं बनी है। और क्या इसमें रॉकेट साइंस का इस्तेमाल होने वाला है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नया है इसमें सर? हर चीज नया है इसमें। क्या नया है सर? सबसे हर एक चीज नया है, और क्या नया है सब आप देखेंगे सर, खुद आपको। अजय, आपने चिरहरण में विराज भट्ट को क्यों कास्ट किया? इस कैरेक्टर के लिए सिर्फ विराज भट्ट ही कर सकते थे ये कैरेक्टर, और मेरे हिसाब से ऐसा। अजय जी, मोनालिसा चली गई है बिग बॉस में, कैसे करेंगे शूटिंग? देखिए मोनालिसा जी से हमारी पहली बात हो चुकी थी, उन्होंने बोला जो अजय जी उनको काफी स्टोरी काफी पसंद आई, और वो खुद ही चाहते हैं इस फिल्म को करने के लिए, और देखते हैं यदि यदि, और मेरा भी यही इच्छा है जो इस फिल्म को मोनालिसा जी करें, और हम वेट करेंगे उनका, 3 महीने तक वेट करेंगे जी, करेंगे। अजय जी, आपके और कौन कौन से आर्टिस्ट में काम कर रहे हैं जी? इसमें विराज भट्ट जी है, और मोनालिसा जी है, और आनंद मोहन जी है, सीमा सिंह है, संजीव झा है, सब टीम मार्केट की है, और अच्छा है। कब तक तैयारी है अजय जी शूट पे जाने के लिए? देखिए हमारी तैयारी जो है दिसंबर में 10 तारीख से, और देखते हैं आगे तो मोनालिसा जी के ऊपर तो बिग बॉस में वो कुछ बता नहीं सकता। उनके जीतने का आप लोग क्या चाहते हैं? वो जीते क्या चीज? मोनालिसा विनर होकर बाहर निकले ऐसा चाहते हैं जी? बिल्कुल, मेरा पूरा मैं पूरा उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ मैं वो विनर होकर ही बाहर निकले, जरूर हमारे हम वेट करेंगे उनके लिए। विश करिए उसको मोना, मोना को मोना, हाय मोना, हाय मोना, आप जब भी आइए जीत के आइए, हम वेट करेंगे आपका। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी अभी पीछे से ही आवाज आ रही थी कि किसका किसका चिरहरण होने वाला है, यही बता सकते हैं, बताइए। देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। मैं संजय भाई, संजय भूषण जी, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं। हमारा जो आज का मुहूर्त है उसे अब तो लग रहा है आप लोगों को देख करके कि बहुत और भी जोश आ गया है। और जहाँ तक चिरहरण का सवाल है, चिरहरण ये हर युग, चाहे वो दुशासन ने किया हो या रावण ने सीता माता का हरण किया हो, कलयुग में भी कैसे हम अछूता रह सकते हैं? हर जगह आप जहाँ भी देखेंगे आज घटनाएं घटती है। जो लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नारी को अबला समझते हैं वो भूल है। अगर नारी अपनी शक्ति पे आ जाए तो मर्द की कुवत नहीं है कि उसका सामना करता है। और किस प्रकार का किरदार है ऐसे विलन
और कहीं ना कहीं पूरा टाइटल आपके इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है जी जी रहा है। तो किस प्रकार का किरदार है और क्या कुछ नया आप दिखाने वाले हैं इस फिल्म में भोजपुरी फिल्म से दर्शकों को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिग्गज लोग हैं, अवधेश मिश्रा है, सुशील सिंह है, और ऐसे लोगों को आपको टफ देना है, चैलेंज है आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, सब लोग अपने जगह पे हैं और हर आदमी का अपना जॉनर होता है। मैं भी थिएटर से हूँ, ड्रामा से डिप्लोमा किया हूँ और तकरीबन 7-8 साल थिएटर करने के बाद मैं आया हूँ। और मेरी नई फिल्म नहीं है, इससे पहले मैंने देवराफे मनवा डोले आलोक कुमार फिल्म था, चुनू बाबू सिंगापुरी में मैं विलन था, प्यार बिना छैन कहारे में विलन था, तो ये मेरी चौथी पांचवी और ये कहानी कहानी तो मैं नहीं बताऊँगा, आपको देखना। चलिए आखिरी सवाल चलते चलते, भोजपुरी अखाड़े का विलन जी, नंबर वन विलन कौन है? अब ये आप अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह या देखिए बांधिए मत, सारे अच्छे हैं, सब लोग थिएटर से हैं। हमें किससे कंपटीशन आपका, चैलेंज किससे? कंपटीशन किसी नहीं, मैं अपना अलग मुकाम बनाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए और अच्छी अच्छी फिल्में करना चाहूंगा जो कि समाज को कुछ दिशा दे। आप आए, कितनी खुशी हो रही है जब भोजपुरी फिल्में आप लोग फाउंडर मेंबर रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री आज ग्रो कर गई है, कितनी खुशी होती है जब समाज आगे बढ़ता है और भोजपुरी इंडस्ट्री खास कर बढ़ती है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो जी? पहले तो सभी भोजपुरी जो हमारे देवता हैं, दर्शक देवता ही हैं हमारे, सबों को प्रणाम। और मैं ये कहूँ कि कितनी खुशी होती है, हम लोग तो उन दिनों को देख चुके हैं जब यहाँ भोजपुरी बोलने में डर लगता था और आज ये दुनिया भोजपुरी हो चुकी है, तो ये तो गौरवशाली रहा ही है। पहले से भी भोजपुरी का इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है और हम लोग भोजपुरी के हैं और भोजपुरी को आज इस मुकाम पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहे जाते हैं मोहन आनंद जी, और कहते हैं कि यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए, कहाँ थे इतने दिन? नहीं तो मैं तो यहीं था, ये बगल आपके सुकन्या हुई खड़ी अभी गर्लफ्रेंड है जी, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्लोरी जी हैं और ये बहुत अच्छी नृत्यांगना है और बहुत बढ़िया फिल्मों में तो लोग देखते ही हैं, तो आज ये सौभाग्य है हमारा कि इस उम्र में भी ये हमारे बगल में है। और वही नहीं वो तो मैं अपने हाथ से ये छुपाए हुए हूँ, ये छुपाए हुआ हूँ, देखिए क्या जी। आनंद जी चलते चलते एक कोई गाना जो आपको दर्शक बहुत पसंद करते हैं आपके गाने को, तो सुना दे दो लाइन जी। गाने में तो क्या है कि मेरी आवाज जो है दूसरे, मेरे दूसरे आवाज को लोग बहुत पसंद करते हैं, वही आवाज वही, और गाने में जो है मेरे गाने जो है जनवादी होते थे और मनोरंजन के लिए सिनेमा में मैं कुछ और गाता हूँ, तो मेरा जो बहुत पॉपुलर गाना था वो मैं दो लाइन सुना देता हूँ, वो जनवादी गाना है। अरे कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं खे नौकरी का करो बेरोजगार बा, 40 के उम्र भइल अगुओ ना आवत है, अरे हौ देख हौ देख हौ देख हौ देख बीए कके बकरी चरावत है, हौ देख बीए कके बकरी चरावत है। आनंद जी अभी आप सुनने में आए कि कुछ बिहार से चुनाव वगैरह खड़े हो रहे हैं जी, अभी चूंकि इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन अगली बार शायद मैं बिना चुनाव लड़े भी आ सकता हूं आपके सेवा में। एमएलसी बनके कुछ पार्टी डिसाइड किया, कुछ पार्टी में सुने के ज्वाइन किया? पार्टी में तो मैं बहुत दिनों से हूं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेंबर 5 साल का जब था तब से रहा हूं और मैं आज भी हूं, जहां तक सेवा बन पाता है अपने राष्ट्र के लिए करता हूं। आपका और विनय बिहारी के जोड़ी बहुत अच्छा चला, क्या कहेंगे आजकल विनय जी के बारे में? विनय जी देखिए क्या है, हमारे सबसे पुराने मित्रों में से, और विनय बिहारी जी अच्छे कलाकार, अच्छे राइटर के साथ साथ
अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो चूंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों का जमता है, मेरा भी जमता है। बीच में एक और सुपरस्टार का कुछ रिलेशन बहुत अच्छा था, पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे? पवन सिंह जी की गायकी बड़ी अच्छी है, और जहाँ तक हीरो हैं और हमारे भोजपुरी के सिरमौर हैं कहे जाते हैं, तो हमारी शुभकामना रहती है खेसारी जी हों, पवन सिंह जी हों, दिनेश जी हों, या जितने भी हीरो हैं और कलाकार हैं, सबों के प्रति हमारी शुभकामना रहती है और हम लोग अच्छे से। तो अभी नया फिल्म कौन सा करने जा रहे हैं? अभी तो चीरहरण है ना, चीरहरण तो शूटिंग अभी 2 महीने बाद है। अच्छा, इसके बाद कौन सा करिएगा, किसका चीरहरण करिएगा? चिरहन किसी का तो मैं नहीं कर सकता, ऐसे आप लोग देख ही रहे हैं क्योंकि उम्र भी देख रहे हैं हमारा, तो चिरहन तो नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक फिल्मों की बात है तो बहुत सारी फिल्में हैं, अभी तो नवंबर दिसंबर जनवरी सारा फुल है, आप सबों का आशीर्वाद। हाल में तो रिश्ता आया था आपके लिए ना जी, रिश्ता आया था शादी के लिए। अभी इधर रिश्ता के बारे में बेटा मत बात करो, नहीं तो इधर भड़क जाएगा। एक डायलॉग कोई पुराना, ए बूढ़ी ए गो बीड़ी दना नाई मने मारी लेले हम वक्त। अरे नहीं, कहाँ, अभी तक तो मेरा कभी हुआ नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि कोई आ जाए। यहाँ पे एज ए फ्रेंडली आई हूँ, मेरा जी के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, तो एज ए फ्रेंड मोना जी के साथ भी किया है, तो मैं अपने बेस्ट विशेस देने के लिए आई हूँ यहाँ पे वीरा जी और मोना जी को, और जो हमारे निर्माता है मनीष मिश्रा जी और अजय झा जी, मैं इनको भी अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। आप पोस्टर देख सकते हैं, और मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। माई सेल्फ राज चौहान, और मेरे साथ में बबलू पाठक हैं, और मेरे छोटे भाई खुद नाम बताएंगे तो हैं, और हम सेल्फ राज चौहान, मेरे साथ में बबलू पाठक हैं और मेरे साथी हैं, ने जब जब खून पुकारे में अभी हमारी कितनी खुशी हो रही है चरण के चीरहरण के मुहूर्त पे आए, क्या कहना चाहेंगे और एंटायर टीम को क्या शुभकामनाएं? बट नेचुरल, इतना टीम एक फिल्म का जब मुहूर्त करती है और उसको इस मुकाम तक पहुंचाती है तो काफी मेहनत लगती है। मैं अपने जो डायरेक्टर अजीज हैं और उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं और एंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मुहूर्त किया, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे चीर हरण है और जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा चूज किया है उन्होंने, और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स और बधाई है, और आगे फिल्म को इसी तरह से लेके जाएं और बहुत अच्छी बड़ी हिट हो भोजपुरी में। थैंक यू सो मच।